ऑल ऑफ यू, आज हम गढ़वाल हिमालय के मीन्स हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्तनगर तहसील और कीर्तनगर ही ब्लॉक के डागर ग्राम सभा के कुलेड़ी गांव के ऊपर समुद्र तल से सी लेवल से लगभग 1500 मीटर ऊपर हैं, 1000 से 1500 मीटर ऊपर हैं। यहां पे आज हम थोड़ा सा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इसका करेंगे। हम बायोलॉजी को जितना हम बुक्स में चित्र देखते हैं, फिगर देखते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम एक्सप्लोर करें फॉरेस्ट को, बायोलॉजी को एक्सप्लोर करें, मैं बायोलॉजी का छात्र हूँ, स्पेशली बॉटनी का छात्र हूँ, तो एक्सप्लोर करें अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, तो हमें कितना सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। जिस तरह से हम फिगर देखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे बुक्स में हम किसी भी चीज़ के फिगर देखते हैं, लीफ का होगा, सेल का होगा, टीएस ऑफ स्टेम होगी, या सेल के अंदर स्ट्रक्चर होंगे उनका फिगर देखते हैं। उससे बढ़िया जब हम प्रकृति में जाते हैं तो कितना प्यारा प्रकृति ने क्या ये फिगर बना रखा है, कितना मैन्युफैक्चर हो रखा है, कितना ये जो नेचुरल हमको देन दे रखी है नेचर ने। तो आज हम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे। इसमें जो ये फॉरेस्ट है, इसमें ब्रॉल डीट ये फॉरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे बांज, बुरांस और काफल। ये देखो अमेरिका स्कुलेंटा जो यहाँ का एडिबल फ्रूट है, इसका कई वर्षों पुराना ये पेड़ है और इस पेड़ पे अभी भी फल लग रहे हैं। देखो हमने कुछ कलेक्ट करे हैं इससे, ये फ्रूट्स अमेरिका के फ्रूट्स हमने इससे ये कलेक्ट करे हैं इस पेड़ से। तो एक पेड़ कई सौ साल तक, ये एक पेरेंटल केयर हम इसको मान सकते हैं, कई सौ साल तक अपनी प्रोजनी देता है। वो एक टाइम पे हजारों बीज प्रोड्यूस करता है, हजारों फ्रूट प्रोड्यूस करता है कि आगे उसकी प्रोजनी बनी रहे। और अब हम थोड़ा आपको ये इकोसिस्टम पे बात करते हैं। तो इकोलॉजी पता है कि इकोलॉजी इकोसिस्टम की स्टडी है। इकोसिस्टम क्या है? सिंपली इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइट होता है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, उनका बायोटिक फैक्टर्स के बीच इंट्रैक्शन। बायोटिक फैक्टर्स में हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स आते हैं। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो मेन कड़ी है, अगर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वही मेन जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। इकोसिस्टम क्या आपको पता है, ग्रासलैंड का हो सकता है, एक्वेटिक होते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ट्री का एक पर्सनल इकोसिस्टम भी होता है। तो ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। और प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है स्टेबलाइज कम्युनिटी है, इसमें काफ़ी पहले सक्सेशन हो चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है ये बांज, बुरांस और काफल के जंगल के लिए। बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको पाइनस के पेड़ भी दिखाई देंगे, लेकिन ये ब्रॉड लीफ का एक जंगल है। और ये जमीन में भी देखेंगे तो ये लीटर है, लीटर मास काफ़ी, ये लीफ जो गिर रखी है, ह्यूमस भी काफ़ी है। और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मीन्स केवल ये नहीं है कि चावल और गेहूँ की हम खेती कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जिसको हम समझ सकते हैं, सनलाइट द्वारा जो एनर्जी कैप प्लांट्स द्वारा सनलाइट की जो एनर्जी केमिकल एनर्जी में जो उसको चेंज किया जाता है, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। जो पौधे जो हैं प्राइमरी प्रोडक्शन है करते हैं, उसके बाद आगे वो कंज्यूमर्स में वो एनर्जी फ्लो आगे जाता है। तो मेन यही एक हमें ये सोचना चाहिए कि यही प्लांट्स अगर देखें तो लाखों करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन अगर हम खरीदने पर आए, लाखों करोड़ों रुपये की ऑक्सीजन निस्वार्थ भाव से हमको दे रहे हैं। तो हमें इन प्लांट्स की रक्षा करनी, इनका प्रोटेक्शन करना है। और अगर इनको छोड़ दिया जाए, अगर देखो ह्यूमन की भी एक्टिविटी हो सकती है, कुछ यूजफुल एक्टिविटी होती हैं, कुछ हार्मफुल एक्टिविटी होती हैं। यूजफुल एक्टिविटी के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे अगर ये प्रोटेक्टिव वाल बना लेते हैं, इनको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये गांव के जो लोग हैं, वन पंचायत है, ये कोशिश करती है कि जो हमारा जंगल है बचा रहे। अगर हार्मफुल की बात करें हम तो कई, अगर हार्मफुल एक्टिविटी की बात करें तो कई शरारती तत्व जो है कि पेड़ों को जो है काट देते हैं, गलती हो जाती है उनसे, उनको पता नहीं रहता है, कईयों को पता होने के बाद भी वो पेड़ों को इस तरह से काट देते हैं कि जिससे उनको नुकसान होता है। हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम इतनी हाइट पर आ रखें, काफ़ी ट्रैक करके हम आए हैं कि हम अपने पास हमने पानी ला रखा है और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी से गुजारा कर रहे हैं। और इसके बाद हम अगर हमें काफुल प्रचुर मात्रा में, देखो भाई लोग, गाँव के भाई लोग काफल, इस काफल को हम इन डब्बों में भर के ले जाएंगे घर,
तो देखो प्रकृति कितना प्यारा, निस्वार्थ भाई साहब है। ये एडिबल फ्रूट मिरिका स्कुलेंटा का है, बहुत ही डेलिशियस होता है और बहुत चाव से इसको यहाँ खाया जाता है। ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करता है, बहुत डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो हम इन जंगलों को अगर रखेंगे सही तरीके से तो तभी जो है मनुष्य का जो जीवन यापन है वो बड़े प्यार से चलता रहेगा। तो कितना सुंदर यहाँ पे वातावरण है, बड़ी शांति है। हाइट पे हैं हम, बहुत हाइट पे हैं ऊपर, बहुत अच्छी शांति है। और यहाँ पे पक्षी चहचहा रहे हैं दूर दूर, काफ़ी दूर किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। और एक शांत वातावरण में हमको एक आज आने का मौका मिला, तो ये हमारी बॉडी के लिए भी सही है। हमें अपनी बॉडी का एग्जामिन कर दिया हमने कि हम अभी भी कुछ चल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो एक आप भी जब भी आपको मौका मिलता है तो ऐसी जगहों पर जरूर जाएं। प्रकृति का अगर आप सुंदर वो चेहरा जब आपके आप सामने से उसको रूबरू होंगे तो आपको अलग ही आनंद प्राप्त होगा। जिस तरह से हम सीरियलों में देते हैं, रामायण महाभारत में, पुराने काल में हम जंगलों को देखते थे, कुटिया देखते थे, तो इसी तरह के जंगल आज हम अगर हम सामने से देखेंगे, हम टीवी में देखते हैं, पिक्चर्स में देखेंगे, सामने से देखेंगे तो जो आनंद हमें प्राप्त होता है उस आनंद को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने थोड़ा सा शब्दों में अपने खुशी को जाहिर की है। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी। और आइए हम प्रकृति को एक बचाने का संकल्प ले कि प्रकृति हमारी ऐसे ही अपने को बना के रखें और सुंदर छवि प्रकृति की हमेशा रहे। धन्यवाद।